तो जो डॉट्स थेरेपी के अंदर जो मेडिसिन यूज होती है उसका आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ये ब्लिस्टर तो ये ब्लिस्टर के अंदर अलग अलग जो टीबी की एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है वो अवेलेबल होती है जिसके कोड यहाँ पे लिखे हैं तो ये कोड क्या इंडिकेट करते हैं वो हम आगे सीखेंगे मैं आपको डिटेल में ये कोड के बारे में भी बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस जेड व्हाट डू यू मीन बाय दिस ई वॉट डू मीन बाई द एच एंड दिस इज दर तो ये कोड में से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकलते हैं और पूछे जाते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर तो एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन को यूज करके टीबी का इलाज किया जाता है कि जिसके अंदर अवेलेबल होती है आइसोनीजिड रेफॉम पेसिन, पायराजिनामाइड, इथामब्यूटोल वगैरह एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक ड्रग्स और वो टीबी के जो डॉट सेंटर है वहाँ से आपको मिल जाते हैं कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं एक टी का जो डॉट सेंटर है उसकी यहाँ पे हमने एक इमेज रखी है आपके लिए रेफरेंस के लिए कि जहाँ पे टीबी का इलाज जो है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है निशुल्क सारवर की जाती है पेशेंट की टू क्योर दिस डिजीज टीबी तो इसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में तो अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल एम प्रेस ऑन द बेल आइकॉन अगर आप एंड्रॉयड यूज़र है तो फार्मारॉक्स की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करिए एप्पल आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से आप आईफोन के लिए भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्स हमने आपको दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि जहाँ से आपको उसकी जो है वो लिंक भी मिल जाएगी तो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन अवर ऐप गेट द लिंक ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डाउनलोड दिस ऐप फार्मारॉक्स एंड स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन तो ट्रीटमेंट ऑफ टीबी बी जिसको अलग अलग स्टेजेस के अंदर किया जाता है अलग अलग फेजेस होती है जिसके अंदर सबसे पहला जो फेज होता है वो कहा जाता है इनिशियल फेज तो इनिशियल फेज के अंदर पेशेंट को जो मेडिसिन दी जाती है वो है आइसोनिजिड तो यहां पे हम देख सकते हैं कि आइसोनिजिड फिर रिफाम्पिसिन एंड पायराजनामाइड तो ये तीन कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है पेशेंट को अबाउट टू मंथ प्लस जरूरत पड़े तो इथामब्यूटल इफ द ऑर्गेनिज्म इज सस्पेक्टेड टू रेजिस्टेंस अगर रेजिस्टेंस डेवलप होता है तो ज़रूरत पड़े तो आप ये तीन के साथ फॉर्थ इथामब्यूटल भी कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते तो उस वक्त क्या होगा आइसोनिएजिड प्लस रिफॉम्पेसिन प्लस पायराजनाम प्लस इथामब्यूटल ऐसा होगा अगर ज़रूरत पड़ी तो वरना ये तीन जो है वो बनेंगे पहले दो महीने के लिए इनिशियल फेज़ के ट्रीटमेंट की मेडिसिन फिर सेकेंड फेज़ की जो चार महीने तक चलेगा उसके अंदर आइसोनिजिड एंड रिफॉर्म पेशेंट जो है वो हम पेशेंट को देंगे तो ये अच्छे से आपको याद रखना है फेजेस कि जो पहले दो मंथ के लिए कौन से मेडिसिन की जो कही जाती है इनिशियल फेज और उसके बाद जो सेकंड फेज है जिसको कंटिन्यूस फेज़ भी कहा जाता है और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट है वो है अराउंड अबाउट द फॉर मंथ तो इस तरह से सिक्स मंथ के लिए पेशेंट को इनिशियल फेज दो महीने के और बाकी के चार महीने के लिए एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स ड्रग दी जाएगी कि जो है आइसोनिएजिड रेफाम पिसिन एंड बायराजनामड फर्स्ट टू मंथ के लिए और ज़रूरत पड़े तो इथामब्यूटॉल और बाकी के महीनों में आइसोनिएजिड एंड रिफॉम्पेसिन उसका कॉम्बिनेशन पेशेंट को दिया जाता है तो टीबी कैन यूजअली बी कम्प्लीटली क्योर बाय द पर्सन विथ टीबी टेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टीबी ड्रग कि टीबी कैन बी यूजली बी कम्प्लीटली क्योर बाय द पर्सन विथ टीबी इफ टेकिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ टीबी ड्रग अगर टीबी का जो पर्सन है वो ये मेडिसिनस रेगुलरली लेता है तो वो जरूर से क्योर हो जाता है सिर्फ उन्हीं केसेस में क्योर नहीं होता कि वहाँ पे ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप होता है टीबी का कि कुछ ऐसे भी पेशेंट होते हैं कि उनको ये मेडिसिन का जो है रेजिस्टेंस डेवलप हुआ होता है उनकी बॉडी के अंदर तो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो नहीं होती बट उनके लिए भी काफ़ी अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं जिससे आप टी को क्योर कर सकते हैं सो so, टू क्योर द टी बी मस्ट टेक द मेडिसिन आफ्टर इन्फेक्टेड विथ टी बी अगर आप टी बी से इन्फेक्टेड होते हैं तो ज़रूर से उसका इलाज करिए ये आफ्टर द इन्फेक्सन और इलाज कराने में कम्प्लीटली आपको कोई पेमेंट नहीं करना है डॉट सेंटर की विज़िट करिए विजिट, विजिट द डॉट सेंटर एंड वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रीटमेंट दी जाती है कि जो प्रॉपर जो पार्ट वन में हमने सीखा पार्ट टू के अंदर सीखा कि पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉपर उसका डायग्नोसिस करके टेस्ट वगैरह करके फिर जो उसकी मेडिसिन है वो दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डॉट सेंटर तो जरूर से आपको डॉट सेंटर की विजिट करके पेशेंट की जो है अच्छे से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए तो जो गवर्नमेंट का जो गाइडलाइंस है कि रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूडेड होता है जिसको कहा जाता है आर तो आर का ये एक टेबल है कि जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि जिसकी ये इंफॉर्मेशन में से आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस निकल सकते हैं तो पहले तो ये फुल फॉर्म याद रखना है व्हाट इज द फुल एन टी सी पी रिवाइज नेशनल ट्यूबर क्लूसिस कंट्रोल प्रोग्राम एंड डॉट्स प्लस गाइडलाइंस डॉट्स का फुल फॉर्म भी हमने आपको बताया कि डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरापी तो ये ट्रीटमेंट के अंतर्गत टोटल पांच अलग अलग ग्रुप के अंदर ये मेडिसिन को डिवाइड कर दे जिसके अंदर ग्रुप वन जो के अंदर ऐसे मेडिसिन है कि जिसको फर्स्ट लाइन ओरल ड्रग कही जाती है कि जो ओरली दी जाती है पेशेंट को टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में कि लाइक आइसोनिजिड रिफॉर्म पेसिन एंड इथाम्ब्यूटॉल और उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आप नीचे पढ़िए कि ग्रुप वन आर द मोस्ट पोटेंट एंड बेस्ट टॉलरेटेड ओरल ड्रग्स यूज रूटीनली कि ग्रुप वन की ऐसी है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेस्ट टॉलरेटेड ड्रग्स है कि जो रूटीनली यूज़ होती आई रही है फिर हम जाते हैं ग्रुप टू की और दीज आर द इंजेक्टेबल एंटीटीबी ड्रग्स कि जो इंजेक्टेबल कि जो इंजेक्शन के तौर पे दिए जाते हैं लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन कानामाइसिन एमिकासन कैप्रियोमाइसिन वगैरह तो ग्रुप टू आर द पोटेंट एंड बैक्टेरिया सीडल सीडल मतलब कि बैक्टीरिया को कंप्लीटली किल करती है बट द कंडीशन इज दैट दे आर इंजेक्टेबल उनको पेशेंट को ये जो मेडिसिन से उनके पेशेंट को इंजेक्शन लेने पड़ेंगे तो इसके कारण कई बार जो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में पढ़ते हैं कि इंजेक्शन के जो डोजेस फॉर्म जब आते हैं तो पेशेंट कंप्लायंस डिक्रीज होता है कि बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लेना पसंद नहीं होता कि और वो ज़्यादातर टैबलेट्स प्रेफर करते हैं फिर तो उनके लिए आपके पास ग्रुप वन का ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है फिर ग्रुप थ्री की जो फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास की ड्रग है जिसके अंदर ओफ्लॉक्सासन इंक्लूड है लिवोफ्लॉक्सिन मॉग्जी एंड सीप्रोफ्लॉगजासिन तो ये इंक्लूड करते हैं फ्लोरोक्नोलॉन्स विच आर वेल टॉलरेटेड बैक्टेरियाडल ओरल ड्रग एंड ऑल पेशेंट विथ ड्रग रेजिस्टेंस टू टी बी शुड रिसीव वन फ्लोरोनोलॉन ऑल्सो तो फ्लोरोनोलॉन्स भी एंटीबायोटिक ही है अगर टी बी की जो एंटी ट्यूबेरिकुलर ड्रग्स ग्रुप वन या ग्रुप टू के अंदर है उनका समझो कि रेजिस्टेंस है किसी पेशेंट को तो वो जो है उनको कोई एक फ्लोरोक्नोल आपको देनी चाहिए कि चाहे आप इनके साथ कॉम्बिनेशन में ओफ्लॉक्स दे सकते हैं या फिर लिवो फ्लॉक्स या फिर सीप्रो ग्रुप फोर की जो ड्रग है कि जिनको सेकंड लाइन ड्रग कहा जाता है एन के अंदर जिसके अंदर इंक्लूड है इथियोनामाइड प्रोथियोनामाइड साइक्लोसेरिन है टेरेजिडॉन है पैराइनोसेलिसिक एसिड कि जो सेकंड लाइन है और आर एन टी सीपी के अकॉर्डिंग टू वो ग्रुप फॉर के अंदर रखी गई है तो ये ड्रग्स है वो लेस इफेक्टिव है बैक्टीरियो स्टैटिक है मतलब कि वो बैक्टीरिया को किल नहीं करती जस्ट इनकी ग्रोथ इनहिबिट करती है एंड मोर टॉक्सिक ओरल ड्रग फॉर रेजिस्टेंस टीबी मोर टॉक्सिक फिर पांचवी क्लास में जो रखी है आर ने वो है ड्रग विथ अनक्लियर एफिकेसी कि जिनको कहा जाता है कि आर द ड्रग विथ अनसर्टेन नॉट रिकमेंडेड फॉर एम डी आर टीबी मल्टी ड्रग रेजिमेंट टीबी के अंदर उनको रिकमेंडेड नहीं किया जाता बट मे बी यूज इन एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस टीबी एक्सटेंसिवली रेजिस्टेंस है ऊपर के चारों क्लास के मेडिसिन का तो ही आप ये फिफ्थ क्लास को यूज करिए जिसके अंदर इंक्लूड है थायासिटाजोन क्लैरिथ्रोमाइसिन क्लोफाजिमाइन लीनेजोरेड एमोक्सिसिलिन, क्लेवुलेनेट और इमिपेम और सिलास्टेटिन तो यूजुअली क्लास थ्री या फोर तक आपको पहुंचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती यूजुअली जो पेशेंट है वो यहाँ पे जो क्लास ग्रुप वन के जो मेडिसिन से कि जो फर्स्ट लाइन औरल कही जाती है और कॉम्बिनेशन में फ्लोरोक्यूनोलॉन्स भी कई बार आप दो तो ठीक हो जाती है और जरूरत पड़े इंजेक्टेबल कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन काना के इसके कुछ दिन इंजेक्शंस के थेरापी भी पेशेंट को करके उसको आप ठीक कर सकते हैं तो ये टेबल आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है और फार्माकोलॉजी की जो रेफरेंस बुक केडी त्रिपाठी बुक में भी आपको ये टेबल जो है वो जरूर से मिल जाएगा तो अब स्टैंडर्डाइज आर एन टी सी पी जो कहा जाता है कि एम डी आर मल्टी ड्रग रेजिमेन मल्टी ड्रग मतलब कि एक से ज्यादा ड्रग का जब कॉम्बिनेशन जब बनता है जिसको एम डी आर कहा जाता है तो उसके अंदर जो इंटेंसिव फेज है सबसे पहले आपके लिए इंटेंसिव फेज कि जो छः से नौ महीने का है जिसके अंदर इंक्लूडेड है कानामाइसिन माइसिन और लिवो बिकॉज कोई एक ही फ्लोरोक्विनोलन बिकॉज ये एफ क्यू की ड्रग है फ्लोरोक्विनोलन तो एनी वन ओ फ्लॉक्स या फिर लिवोफ्लॉक्स इथियोनामाइड साइक्लोसेरिन पायराजिनामाइड इथामब्यूटोल एक्सेट्रा तो यहाँ पे जो पीछे है वो सिंबल है वो आपके लिए याद रखने के कानामाइसिन के लिए सिंबल है के एम ओ फ्लॉक्स के लिए ओ एफ एक्स के लिए एल एफ एक्स इथियोनामाइड के लिए जो सिंबल है वो है इटीओ िन सीएस एंड पायराजामाइड के लिए सिंबल है जेड इथामबिटोल के लिए ई पायरेडोक्सिन कॉम्बिनेशन में 100 एमजी आप दे सकते हैं इथामबिटोल के साथ सेकेंड है कंटिन्यूएशन फेज जो 18 मंथ के लिए चलता है तो ये टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखने हैं कि ओफ्लॉक्सिन और लिवोफ्लॉक्सिन इथियोनामाइड साइक्लोसेरिन, इथामब्यूटोल एक्सेट्रा की जो स्टैंडर्डाइज आर एन टी सी पी है स्टैंडर्डाइज किए हुए आर एन टी सी पी के द्वारा प्रॉपर उनके सुझाव के अकॉर्डिंग टू ये बनाया हुआ एक रेजिमेन की मल्टी ड्रग रेजिमेन जिसको कहा जाता है मल्टी ड्रग रेजिमेन तो इसमें से कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करके पेशेंट को दिए जाते हैं कि जो हमने देखा शुरुआत के अंदर कि जो ब्लिस्टर्स हमने अलग अलग देखे तो उसमें इंटेंसिव फेज एंड कंटिन्यूस फेज के अकॉर्डिंग टू जब एम जब प्रेफर किए जाते हैं पेशेंट को लिए तो इस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है और ज्यादा से ज़्यादा वो 18 मंथ तक चलती है इसलिए कहा जाता है कि विदाउट एनी स्कीप अगर पेशेंट ट्रीटमेंट स्कीप ना करे एंड कंटिन्यूसली उसको लेता रहे तो मस्ट बी क्योर हो सकती है ये डिसीज हंड्रेड परसेंट जस्ट जो है वो पेशेंट को अच्छे से भरोसा रख के रेगुलरली ये हेल्थ जो डॉट सेंटर है उसको विजिट करके मेडिसिन जो दी जाती है उसको वो कंटिन्यूसली लेते रहना है फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो टीबी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइकोबैक्टीरियम बैक्टेरियम बैक्टीरिया होते हैं उसका जब एवीएम कॉम्प्लेक्स होता है माइक्रो बैक्टेरियम कॉम्प्लेक्स का जब इन्फेक्शन होता है और डायग्नोसिस में एम पता चलता है तो उसके लिए एक अलग से एक रेजिमेन बनाया जाता है एमएसी के लिए जिसके अंदर इंक्लूडेड है टू और थ्री एंटी माइक्रोबियर एटलीस्ट फॉर ट्वेल्व मंथ और वो इंक्लूडेड है फर्स्ट लाइन ड्रग्स में से आप मैक्रोलाइड यूज़ करोगे कि फर्स्ट लाइन ड्रग तो आप यूज करोगे ही उसके साथ मैक्रोलाइट की जैसे कि क्लैरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन की जो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ड्रग है और उसके बाद आपकी मेन टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग लाइक इथामब्यूटोल रिफामाइसिन की जिसके अंदर रिफामपीसिन या फिर रिफाब्यूटिन इंक्लूडेड है फिर जो एमाइनोग्लाइकोसाइड्स है कि लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन है एमिकासिन आर क्लैरिथ्रोमाइसिन फाइव हंड्रेड एम जी दिया है पेशेंट को और एजिथ्रोमाइसिन भी फाइव हंड्रेड एमजी बट ये वंस देंगे अगर आप एजिथ्रोमाइसिन सिलेक्ट करते हैं एंड क्लैरिथ्रोमाइसिन देते हैं तो ट्वाइस तो ज्यादातर एजिथ्रो ही प्रीफर किया जाता है वंस डेली देना है इसलिए और साथ में समझो कि आप इथाम बिटॉल देते हैं तो इथामबिटॉल और कॉम्बिनेशन हो जाएगा एजिथ्रोमाइसिन की जो पर डे लेगा प्रेसेंट वन टैबलेट फिर उसके साथ इंक्लूड रहेगी रिफाबिटिन की 300 हंड्रेड पर डे साथ में सीप्रोफ्लॉक्सिन फाइव हंड्रेड एम जी अगर सिप्लोफ्लॉक्सेंस नहीं देते तो उसके ऑप्शन में है लिवोफ्लॉगजासन और लीवोफ्लॉग्जासेंस भी आपको नहीं देनी तो उसके भी ऑप्शन में है और में है ये मॉगजीफ्लॉगजासन तो ये है इंटेंसिव फेज फॉर एमएसी कॉम्प्लेक्स एंड मेंटेनेंस फेज में क्लैरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रो इथामब्यूटोल रिफाम और वन क्लोरोनोलॉन डोज इन रेंटेनेंस फेज आर द सेम एस इंटेंसिव एक इंटेंसिव फेज में जो डोज थे वो ही यहां पे भी सेम रहेंगे तो एंटीटीबी ड्रग्स का जब हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके लिए एक फॉर्म बनता है वो है फर्स्ट फर्स्ट लाइन के लिए यहां पे फर्स्ट तो जो F है फर्स्ट का वो है फील्ड एफ फॉर फील्ड डिफेक्ट कोजिंग ड्रग्स और जिसका नाम है इथामब्यूटोल की जिसको ई e सिम्बॉल दिया है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये सिम्बॉल है वो क्या इंडिकेट कर दे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊँ कि तो जो ब्लिस्टर के पीछे ये ई e है तो वहाँ पे जो टैबलेट है, रखी है वो है इथामब्यूटोल की वो जो टैबलेट होगी वो है इथामब्यूटोल दैट टैबलेट इज अथामब्यूटोल सेकंड इज आई एफ के बाद आई आई फॉर आइसोनियड एंड द सिंबल फॉर आइसोनियजिड इन वन लेटर दैट इज एच एंड थ्री लेटर सिंबल इज आई एन एच तो हियर वी कैन सी हियर इज दैट इज एच दैट इंडिकेट्स दैट इज ए आइसोनियजिड तो यहां पे जो एच है उसके पीछे जो टैबलेट होगी वो है आइसोनिजिड की फिर ब्लिस्टर में जहां पे आय होगा तो आर फॉर रिफॉर्म पिसन सिंबॉल इज आर हियर वी कैन सी दैट आर ये जो आर सिंबल है आर फॉर रिफॉर्म पिसन फिर एस एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन और सिंबल है उसका एस एंड टी ट्वाइस अ डेल्ली ट्वाइस अ डे गिवन ड्रग डेली Twice, तो वो है पायराजाम्बॉल इज ए जेड तो यहाँ पे जो जेड करके पीछे जो दो टैबलेट्स ये एक जेड सेकंड जेड तो ये ब्लिस्टर में हम हाँ देखे कि दो टैबलेट है पायराजाम जिसका सिम्बॉल है जेड टू टैबलेट ऑफ इथामबिटोल टू टैबलेट्स ऑफ रिफार्मिन एन वन दैट इज ए रिफार्मिन ऑल द फर्स्ट लाइन एंटी टूब आर गिवन वंस अ डे तो तक तो आपको पता चला होगा कि ये एफ आई आर एस एन टी इस तरह से आपको ये याद रख सकते हैं फिर ये कोड भी आपको चल गया फर्स्ट लाइन ड्रग के लिए एक और स्ट्रीक है वो है पेरिस तो व्हाट इज पेरिस तो पी फॉर पायराजनामाइड ई फॉर इथामब्यूटोल आर फॉर रिफाम्पिसिन आई फॉर आइसोन एंड एस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन तो ये आपका जो पेरिस बनता है उससे भी आप जो है ये मेडिसिन याद रख सकते हैं इवन उनके कोड पी तो ये है जेड पायरा के लिए ई फॉर इथामब्यूटोल एच फॉर एच जो है वो आइसोनियजिड के लिए है एंड आर रिफाम्पिसिन के लिए सेकंड लाइन ड्रग के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो है सेकंड एस मतलब कि सेलिसाइलेट एस फॉर सेलिसट्स कि जिसके अंदर है पैरामाइनो सेलिस एसिड ई e फॉर इथियोनामाइड देन सी फॉर साइक्लोसेरिन सेकंड का जो सी है साइक्लोसेरिन डी फॉर ओल्ड ड्रग लाइक थाटाजोन एन फॉर न्यूअर ड्रग्स एन फॉर न्यूअर ड्रग्स लाइक क्लूनोलॉन्स कि जिसके अंदर सिप्रोफ्लोक्सिन्स होते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स लीवर फ्लॉगजासन गैटि फ्लॉगजासन मॉग्जी फ्लॉक्स और माइक्रोलाइट में क्लैरिथ्रो एजिथ्रो वगैरा और डी फॉर ड्रग्स की जो रेरली यूज ड्रग लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड कैप्रियोमाइसिन कानामाइसिन, एमिकासिन रिफाब्यूटिन तो यह है सेकंड लाइन ड्रग ऑफ टीबी थर्ड लाइन ड्रग कुछ दी है वो है कैप्रियोमाइसिन कि जिसके मेकोनिज्म अभी तक अनॉन है एंड साइक्लोसेरिन की जो इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस एंड लीड्स टू सेल डेथ तो इस तरह से ये काम कर देगी जो माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबेरकोसिस जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल है उसकी डेथ करेगा बिकॉज सेल वॉल जो सिंथेसिस होगा एम टीबी का वो ही इनहिबिट कर देगी ये एंटीबायोटिक जिसके कारण वो बैक्टीरिया की आगे जाके सेल की डेथ होगी और ये सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम होते हैं जिसके कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अब कील हो जाती है जो दो और दो न्यूर ड्रग्स है वो है बीडाक्विल एंड डीलामानीड द यूज इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑफ टीबी एंड यूजली कंजसन विद अदर एजेंट तो मिकनिज्म देखे तो आइसोनियजिड है वो हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि जो ये बैक्टीरिया के आसपास माइकोलिक एसिड का ये कोटिंग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के आसपास माइकोलिक एसिड का जो कोटिंग होता है उसको अफेक्ट करता है आइसोन उसके बाद रिफॉर्म की जो डीएनए एंड आरएनए की जो एक्टिविटी को अफेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर और आगे जाके उसको किल करता है इथियोनामाइड क्या करेगा तो सेल डिविजन प्रिवेंट करवा देगा जिससे माइकोबैक्टीरियम के जो बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस उसका सेल डिवीजन अटक जाता है एंड रिफापेंटिन क्या करेगी डीएनए एंड का जो सिंथेसिस होगा वो अल्टर करेगा इन दैट माइक्रो बैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया और जिसके कारण आगे जाके वो जो बैक्टीरिया है उसकी हो जाएगी डेथ और पेशेंट की बॉडी में से ये बैक्टीरिया कंप्लीटली रिमूव हो जाएंगे तो इथामब्यूटॉल की जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है पायराजिनामाइड की जो बैक्टीरिया सीडल एंडस्टिटिक दोनों इफेक्ट है एंड साइक्लोसेरीन की जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस है उसको अफेक्ट करता है रिजल्टिंग सेल डेथ तो जब आप मल्टी ड्रग थेरापी की मल्टीपल मेडिसिन जब टारगेट करते हैं ये बैक्टीरिया के लिए तो ऑब्वियसली वो जो है वो डेथ हो जाएगा बट टाइम लेगा इसी के कारण जो ट्रीटमेंट है वो लंबी चलती है टीबी की और पेशेंट को अच्छे से ट्रीटमेंट उसके कंप्लीट करनी पड़ती है अच्छे से उसको जो है वो ट्रीटमेंट पे भरोसा रख के ट्रस्ट करके कंटिन्यूसली विदाउट एनी टाइप ऑफ पैनिक कंडीशन उसको मेडिसिन लेनी है और वो क्योर भी हो जाता है कुछ साइड इफ़ेक्ट उसको फेस करनी पड़ेगी लाइक न्यूरिटिस है डिजीनेस हेडेक मैलिस फिर सी के अलावा जी ट्रैक पे देखे तो नोजिया वॉमिटिंग एनोरेक्सिया स्टमक अपसेट वगैरह साइड इफ़ेक्ट हो सकती है तो ये था हमारा मेन वीडियो लेक्चर ऑन डॉट्स थेरापी उसके ट्रीटमेंट क्षय रोग का इलाज टीबी का इलाज हम का या फिर मेडिसिन फॉर टीबी तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर से शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ये व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से मैसेज करिए आपका नाम लिखकर एंड सिटी नेम लग के व्हाट्सएप करिए ऑल्सो सब्सक्राइब चैनल प्रेस ऑन बेल आइकॉन डाउनलोड फार्मा रॉक्स, एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर लिंक्स इन ए डिस्क्रिप्शन बॉन्ड एक्सेस द सब्जेक्ट वाइज नोट्स पी डी एफ एंड पीपीडीज ऑफ अवर लेक्चर, रैपिड रिविजन नोट्स अफोर्डेबल प्राइस रहेगी कि एप्पल आईफोन के ऐप स्टोर पर भी आप अवेलेबल है एज वेल एज ऑन गूगल प्ले स्टोर तो अब जो भी यूज़र है आईफोन या फिर एंड्रॉयड यूजर लिंक्स चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन द एप फार्मारॉक्स एंड स्टार्ट लर्निंग ऑनलाइन सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट